भारत में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो कि लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कुछ मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि वहाँ खुद भगवान साक्षात मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि खुद भगवान विष्णु किसी एक तालाब में मौजूद हैं? आइए जानते हैं एक रहस्यमय मंदिर की अनसुनी बातें आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत खास है। सनातन धर्म में मंदिरों की परम्परा काफी पुरानी है, लोगों को आस्था से काफी लगाव है। ऐसे में देश और विदेश में आज लाखों करोड़ों मंदिर हैं। पूरे विश्व में बने इन मंदिरों में कई मंदिर आज भी रहस्य बने हुए हैं। दरअसल इनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। वैसे तो भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिरों की अलग ही पहचान है। आज हम आपको भगवान विष्णु के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो मंदिर तालाब में है। एक ऐसा तालाब जहाँ आज भी वास करते हैं भगवान विष्णु, और इस तालाब में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर आराम करते नजर आते हैं। तालाब के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति है, पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब पानी में नजर आती है साक्षात महादेव की छवि। लोगों का कहना है कि तालाब में वास करते हुए ये भगवान शिव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसे लेकर लोगों का ये तक कहना है कि ये किसी प्रकार का संकेत है कि लोगों को समझ आ जाए कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं। नेपाल के काठमांडू के मध्य से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर शिवपुरी हिल के पास ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम है बुढ़ा नीलकंठ मंदिर। भगवान विष्णु की ये मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, जो नेपाल की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर में विराजमान मूर्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर है और तालाब की लंबाई 13 मीटर है। इस मूर्ति को देखने पर इसकी भव्यता का एहसास होता है। तालाब में स्थित विष्णु जी की मूर्ति शेषनाग की कुंडली में विराजित है। मूर्ति में विष्णु जी के पैर पार हो गए हैं और बाकी के 11 सिर उनके सिर से टकराते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा में विष्णु जी के 4 हाथ उनके दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। जहाँ मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो वहीं भोलेनाथ पानी में अप्रत्यक्ष रूप में विराजित है। माना जाता है कि बुढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी गोसाई कुंड में उत्पन्न हुआ था। इस मंदिर में हर साल अगस्त में शिव महोत्सव का आयोजन होता है। कहा जाता है कि इस दौरान इस झील के नीचे भगवान शिव की छवि साफ दिखाई देती है। अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के पानी के नीचे शिव की एक छवि देखने को मिलती है। लोग इसे बड़े रहस्य की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग बुद्ध नीलकंठ के नाम को गौतम बुद्ध के नाम से जोड़ते हैं, लेकिन ये सही तथ्य नहीं है। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा ये भी भ्रम फैलाया गया है कि मूर्ति का रूप गौतम बुद्ध से मेल खाता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। लेकिन जब भगवान विष्णु को बुद्ध नीलकंठ के नाम से जाना ही नहीं जाता, फिर कैसे इस मंदिर का नाम बुद्ध नीलकंठ पड़ा? एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकला था, तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिव जी ने इस विष को अपने गले में ले लिया था, जिस कारण उनका गला नीला हो गया था। इसी कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। बुढ़ा नीलकंठ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसका गला नीला हो, जो कि भगवान शिव का एक नाम है। जब जहर के कारण शिव जी का गला जलने लगा था, तो वो काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और झील बनाने के लिए त्रिशूल से एक पहाड़ पर वार किया, जिससे एक झील बनी। कहते हैं इसी झील के पानी से उन्होंने अपनी प्यास को बुझाया था। तो ये था इस मंदिर का रहस्य। आपका क्या कहना है, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही सब्सक्राइब करें द न्यूज़ 15।